सोचो और अमीर बनो, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच, यह किताब नेपोलियन हिल, यह लेखक ने लिखी हुई है, बहुत ही फेमस किताब है। और वहाँ जो 7 कानून बताए हुए हैं कि जिसके बारे में हमने सोचना चाहिए और अमीर बनना चाहिए, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेखक ने यह किताब में जितने बहुत अमीर ऐसे लोग थे उनका इंटरव्यू लिया, उनका स्टडी किया, और सब लोगों का स्टडी करने के बाद में उनमें क्या कॉमनैलिटी थी, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया वो स्टडी किया, और उसमें से कुछ ऐसे 7 कानून निकाले कि जो 7 कानून या 7 उसूल या 7 रूल्स या 7 टिप्स आप यदि अपने जीवन में अपनाते हैं और उस तरह का सोच अपने जीवन में लाते हैं और नेचुरली एक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आप अमीर बनेंगे। तो ये कौन से 7 कानून है, कौन से 7 टिप्स है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं यह वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आप ये सिर्फ ना सोचे, ना सिर्फ थिंक करें, ना सिर्फ विचार करें, बट इसको एग्जीक्यूट भी करें, अमल में लाए, तो ही फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। पहला जो उसूल है, पहला जो टिप है वो है डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर। इसका मतलब होता है जाज्वल्य इच्छा शक्ति। कोई भी चीज़ करने के लिए यदि किसी व्यक्ति की जाज्वल्य इच्छा शक्ति है, बर्निंग डिज़ायर है, मतलब ऐसी ऐसी डिज़ायर है कि नो मैटर व्हाट मैं वो तो करूँगा ही करूँगा, उसके साथ चलेगा नहीं बिल्कुल ही, मतलब खाना पीना छोड़ दूंगा लगे तो, टाइम आ गया तो, तीव्र इच्छा है करने की, मैं कुछ भी त्याग करने को तैयार हूँ और मतलब पूरे शिद्दत के साथ मैं करने को तैयार हूँ। ऐसी यदि आपकी सोच रही और वैसे यदि एक्शन रही तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। जो सफल लोग रहते हैं वो टूट पड़ते हैं काम के ऊपर, मैसिव एक्शन लेते हैं, और उनकी ऐसी इच्छा रहती है कि वो खाना पीना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, वहीं करेंगे, वहीं सोचेंगे, एक्शन लेंगे, और एक ही उनके सामने ध्येय रहेगा कि वो करना मतलब करना ही है, तीव्र इच्छा शक्ति, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है फेथ, मतलब उसके ऊपर विश्वास कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ, वो काबिलियत मेरे में है, और वो काबिलियत मेरे में है ऐसा फेथ होना, बिलीफ होना अपने आप के ऊपर, और वैसे ही यह यूनिवर्स के ऊपर, ये जो यूनिवर्स है, ये जो प्लेनेट है, ये जो नेचर है, ये मुझे दे सकता है, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा है, वो मुझे देगा, मैंने मांगना चाहिए, मेरी इच्छा वैसी होना चाहिए, और मेरा उसके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए और मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए। यदि मेरे ऊपर ही मेरा विश्वास नहीं है कि नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ मगर वो होगा कि नहीं होगा, मुझे डाउट है, मैं छोटा हूँ, मेरी अकल कम है, मैं गधा हूँ, मुझे इतनी बड़ी सोच नहीं है, मुझे उतना उतनी काबिलियत नहीं है, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ऐसे अपने बारे में जो विचार रहते हैं, या कुछ तो भी गलत है, तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। आपका अपने ऊपर विश्वास कि यस मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा फेथ वो होना जरूरी है, और नहीं होगा तो वो आपको तैयार करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। नंबर 3, ऑटो सजेशन देना, अपने आप को सूचनाएं देते जाना, अपने आप से बातचीत करने वाला, यस आई कैन डू इट, यस तू ये कर सकता है, तू दुनिया में बड़ा अलग करने के लिए पैदा हुआ है, और बार बार वही सोच आप अपने दिमाग में लाते हो, बार बार वही बातें आप अपने आप से करते हो, लोगों से बात करने के समय वही बात संदर्भ में रख के बात करते हो, कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करते हो, उसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। ये बात सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, सीधे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में इसके इम्प्रिंट बनते हैं, इम्प्लांटिंग होता है, और फिर वहाँ से एक्शन आ जाएगी। बार बार यदि आप हैमरिंग करते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं, और वैसे विजुअलाइजेशन करते हैं, मतलब उसका चित्र निर्माण करना, उसकी तस्वीर निर्माण करना, वो डन डील है, वो हो चुका है, ऐसा तस्वीर, ऐसी तस्वीर अपने आंखों के सामने लाना और ऑटो सजेशन देना, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑटो सजेशन, बार बार देना। नंबर 4 जो है वो है नाइस प्लानिंग, ये अच्छा प्लानिंग, योजना बनाना। यदि आप अच्छी योजना बनाते हो, प्लानिंग करते हो, और इतनी डिटेल में प्लानिंग, एक एक पॉइंट, माइक्रो प्लानिंग बोलते हो उसको, ऐसा बोला जाता है कि गॉड इज इन डिटेल्स, भगवान जो है ना वो डिटेल में होता है। डिटेल जितना आप जाएंगे, जितना ज़्यादा बारीकी से आप देखेंगे और प्लानिंग करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो पूरा विचार करते हैं, कोई भी जो काम होता है ना पहले दिमाग में तैयार होता है, बाद में एक्चुअली रियलिटी में आता है। आप मकान बांधते हो तो पहले दिमाग में बांधते हो मकान,
फिर कागज के ऊपर तैयार होता है उसका प्लान, और बाद में फिर वो एग्जीक्यूट होते रहता है। तो प्लानिंग, नाइस प्लानिंग। सो प्लान द वर्क, प्लान योर वर्क। ऐसा बोला जाता है कि एक घंटा काम करना है तो 6 मिनट का प्लानिंग आपका होना जरूरी है। सो प्लान योर वर्क, एंड वंस यू प्लान योर वर्क, आपने प्लान किया हुआ है तो वर्क ऑन योर प्लान, प्लान के ऊपर काम करना चालू करो। सो प्लानिंग, ये चौथा उसूल है। पांचवा जो है वो है कि वो फील्ड में आपका कोई मास्टर हो, कोच हो, कि जो आपको कोचिंग कर रहा है, जो भी आपका फील्ड है वो फील्ड में जिसने मास्टरी, महारत हासिल किया हुआ है, जो उसमें मास्टर है, जो आपको कोच कर सकता है, आपको बताता है, आपके ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं, अंधबिंदु, आपको मालूम नहीं रहता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आपको मालूम नहीं रहता कि क्या करना चाहिए। बोलते हैं ना कि डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता है, वैसा ही है कि मैं लोगों को बता सकता हूँ कि उसके पॉइंट क्या है, वो क्या मिसिंग कर रहा है, उसने क्या करना चाहिए, मैं लोगों को बता सकता हूँ, मगर मेरा मुझे दिखता नहीं है। तो मेरा मुझे बताने के लिए कोच होना जरूरी है, कि जो कोच मुझे बताता है कि मैंने क्या करना चाहिए। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, और आप प्लानिंग करते हो, और प्लानिंग के बाद में आपका वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक कोच है, जो आपको प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में आपको कोचिंग कर रहा है, आपके अंधबिंदु बता रहा है। तो ये पांचवा पॉइंट है कि हैव ए कोच। कोच अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग एरियाज में होते हैं। जैसे आपको बॉडी बिल्ड करना है तो कोच होता है, आपको वजन कम करना है तो उसका डाइट के लिए कोच होता है, आपको कोई गेम खेलना है तो उसके लिए कोच होता है, जैसे कोच होते रहते हैं। तो वो कोच होना बहुत जरूरी है, पांचवा। फिर छठवा जो उसूल है वो है इनर वॉइस की सुनो, मतलब सिक्स सेंस की सुनो। क्या होता है कि कभी कभी अपने को एक गट फीलिंग आती है, कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि ये होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ तो भी बीच में ऐसा लगता है कि अंदरून आवाज आती है, तो उसकी भी सुनना जरूरी है। और वो अंदरून आवाज की सुनना यदि है तो आपको साइलेंस में बैठना पड़ेगा, कुछ बीच में टाइम निकालो, अपने आप के ऊपर सोचो, अपने प्लान के ऊपर सोचो, एग्जीक्यूशन के ऊपर सोचो, बहुत ही साइलेंट जगह बैठे हुए आप, ब्रेक लिया हुआ है, और आप सोच रहे हो कि मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिसिंग है, क्या नहीं है, और फिर अंदरून आवाज में से क्या बोलती है। हो सकता है कि आपकी आवाज अंदरून निगेटिव बोलती है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि वो अंदरून निगेटिव बोलती है तो चलो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समझो बोलती कि नहीं नहीं ये मत कर, उसको पूछो क्यों मत कर, क्या अड़चन आ सकती है, और फिर उसका मैं क्या सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, तो वो निकालो। तो अंदरून आवाज कोई बुरी नहीं होती है, निगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलो कि ठीक है, तो निगेटिव भी है तो बहुत अच्छा है, वो आपको बता रही है कि क्या प्रिवेंशन करना है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो ठीक है उसकी भी सुनो। वो नहीं बोलती है तो उसको पूछो कि क्यों नहीं करना मैंने, मतलब डिबेट करो, और सिक्स सेंस क्या बोलता है उसके बारे में सोचो, और उसके साथ में डिबेट करके जो भी प्रिकॉशन लेना है वो ले लो। ये छठवां पॉइंट। और सातवां है दृढ़ता, अटलता या परसिस्टेंस, चिपके रहो, लगे रहो। क्या होता है कि हम थोड़ा काम चालू कर देते हैं, थोड़ा काम होने के बाद में फिर हम छोड़ देते हैं, यश मिलता नहीं है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलता है, बाद में फिर धीरे 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 वो रिजल्ट बढ़ते जाता है। तो जब शुरुआती रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम वहाँ डिसमूड हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। एक्चुअली ह्यूमन बींग जो है ना वो आरंभशूर है, आरंभशूर मतलब आरंभ कर देता है, उसमें शूरवीर है, और रिजल्ट नहीं आया कि छोड़ देता है। तो शुरुआती रिजल्ट जो है वो छोटा होता है, वहाँ चिपक के रहना, अटल रहना है, दृढ़ता से खड़े रहना है, परसिस्टेंटली कंसिस्टेंट रहना या कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट वहाँ रहना वो जरूरी है। और वह आविधि करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो ये 7 पॉइंट है। नंबर 1 बर्निंग डिजायर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बर्निंग डिजायर। नंबर 2 फेथ। नंबर 3 सजेशन, ऑटोसजेशन देना। नंबर 4 नाइस प्लानिंग करना। नंबर 5 अच्छा कोच होना। नंबर 6 सिक्स सेंस। और नंबर 7 दृढ़ता। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही
आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।